खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी को हाफ डे की छुट्टी घोषित कर दी गई है। दोपहर 2:30 बजे तक दफ्तर बंद रहेंगे। सीएम विष्णुदेव साय ने यह ऐलान कर दिया है। सरकारी दफ्तरों में अवकाश रहेगा। शिवरी नारायण में मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। ये पूरे देश के लिए, और देश के लिए नहीं पूरे दुनिया के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आने वाले 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है। और छत्तीसगढ़ के लिए तो विशेष खुशी की बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या की जन्मभूमि है। तो ऐसे अवसर में आने वाला 22 तारीख को जितने भी सरकारी संस्थान हैं 2:30 बजे तक वहाँ पर अवकाश रहेगा, ये हम घोषित कर रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शुद्ध घी से निर्मित लड्डू अयोध्या के लिए रवाना कर दिए गए हैं। महाकालेश्वर प्रबंध समिति ने 5 लाख लड्डू प्रसाद स्वरूप अयोध्या भेजे हैं। प्रबंध समिति ने जानकारी दी कि लड्डू प्रसाद बेसन, रवा, शुद्ध घी और सूखे मेवों से बनाया गया है। लड्डू प्रसाद निर्माण के लिए अतिरिक्त कारीगरों और कर्मचारियों को लगाया गया। लड्डुओं को पैकेट में पैक कर अयोध्या भेजा गया है। एक लड्डू का वजन लगभग 50 ग्राम है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हुए थे, उसके बाद महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बड़ी टीम लड्डू निर्माण इकाई पर लग गई थी और पिछले 5-6 दिनों से लगातार यहाँ पे काम चल रहा है और एक बड़ी सी टीम 250 लोगों की टीम लगातार लगी हुई है। मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 5-6 दिनों में जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी, उसी के अनुसार 5 लाख लड्डू का निर्माण हो चुका है। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य तरीके से मनाने के लिए खंडवा में भी 1008 किलो वजनी दीपक में राम ज्योति प्रज्वलित कर दी गई है। यह दीपक 6 फीट चौड़ा है और इसमें 15 फीट की बाती और लगभग 2 क्विंटल तेल डाला गया है। यह राम ज्योत 22 जनवरी तक सतत जलती रहेगी। खंडवा की महापौर विधायक ने इस राम ज्योत को प्रज्वलित कर खंडवा और मध्य प्रदेश समेत देश में सुख शांति और समृद्धि के लिए राम राज्य की कामना की। इस राम ज्योत प्रज्वलन के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। खंडवा की महापौर अमृता यादव और विधायक कंचन तनवे ने इसे मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ प्रज्वलित किया। 1008 किलो बजनी यहाँ पर दीपक बनवाया है और ये दीपक 5 दिन तक निरंतर अखंड जलेगा। जैसे कि दीपक अंधेरे में रोशनी का कार्य करता है, वैसे ही हम अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए कामना करते हैं कि हमारा देश और शहर निरंतर उन्नति करे, प्रगति करे। आज इसी प्रकार हमारी महापौर श्रीमती अमृता अमर यादव द्वारा यहाँ पर 1008 किलोग्राम वजनी दीपक की यहाँ पर लौ प्रज्वलित की गई है, जो अनवरत जलती रहेगी और प्रकाशमय करेगी और ये दिखाएगी कि बच्चा बच्चा, प्रत्येक नागरिक राम जी के स्थापित होने से, राम मंदिर बनने से कितना खुश है। तो हम खंडवा वासियों के लिए ये सौभाग्य की बात है, उत्साह की बात है कि हमारे खंडवा में ऐसा एक अवसर आया है और ऐसा सुना भी गया है, लगभग देश में अयोध्या में दिया जल रहा है सबसे बड़ा, उसके बाद दूसरे नंबर पर ये दिए की गिनती आ रही है। रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं और इसे लेकर हर भक्त के मन में राम नाम की ज्योत जली है और इस ज्योत को खंडवा में प्रज्वलित भी किया गया है। 1008 किलो के इस दीपक में 2100 किलो तेल डालकर 15 फीट की बाती जलाई गई है। 5 दिन तक अनवरत ये दीपक जलेगा। भक्तों के मन में जो उल्लास और उत्साह है, उसका उजास यहां देखने को मिल रहा है। अमित जायसवाल, न्यूज 18, खंडवा।